या तो ऐसे करो ऐसे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जोई डॉट सेंटेन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और चीकू को नहा दिए हैं तो वो सो गया है और सारे लोग अभी सोए हुए हैं। और चीकू की दादी गई हुई है, आज उनका छोटा सा ऑपरेशन था, वो हॉस्पिटल गई हुई है करवाने, तो आएंगी शाम तक आएंगी, अभी तो आएगी नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि पहले हम दोपहर का खाना बना लेते हैं, क्योंकि चीकू भी उठ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है बनाना खाना। ऐसे तो भी घर में काफ़ी लोग हैं, मम्मी है, दादाजी हैं चीकू के, मेरी सासू माँ है, सभी लोग हैं, तो खाना तो बन ही जाता है। चीकू को कोई पकड़ लेता तो हम खाना बना लेते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि दोपहर में सभी लोग सो भी जाते रहते हैं और हम लोग दोपहर में खाना बनाते हैं तो खाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी जाके हम खाना बना लेते हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं खाने में मशरूम की सब्ज़ी। तो हम मशरूम की सब्ज़ी कैसे बनाएंगे आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मशरूम की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है मशरूम और ये है इसमें बॉयल किया हुआ पानी है, इसको हम पहले ही गर्म कर लिए थे। तो अभी हम क्या करेंगे, मशरूम को पहले काट लेते हैं आधा आधा, उसके बाद हम पानी में धो देंगे इसको अच्छे से। ऐसे मशरूम, कोई कोई मशरूम साफ भी रहता है, कोई कोई थोड़ा ज़्यादा गंदा रहता है, तो अगर ज़्यादा गंदा रहता है तो हम इसको यहाँ से छील लेते हैं ऊपर से।
तो हम सब्जी चढ़ा के आ गए गैस पे, और किचन में खाना बनाते बनाते इतनी गर्मी लगने लगती है कि क्या बताएं, पूरा पसीना पसीना हो गए थे। और चीकू भी सो के नहीं उठाया, सोया हुआ आराम से, तो मेरा सारा काम भी हो जाएगा। और ये मशरूम की सब्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, किस किस को अच्छा लगता है कमेंट करके जो बताइएगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और चीकू भी सो के उठ गया, तो हम अभी चीकू का बाल ठीक करेंगे। चीकू कहाँ है? और चीकू का जब चीकू का बाल धोए हैं तो ऐसे ही बाल धोए और ये सो गया है, तो अभी हम इसका बाल पहले ठीक कर देते हैं। कैसा लग रहा है इसका बाल? कितना बड़ा बड़ा इसका बाल हो गया है, चीकू का बाल कितना बड़ा बड़ा हो गया। क्या 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 हुआ? क्या 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 हो गया? ओ देखे, चीकू कुछ हो गया हाथ में, क्या देखे? ओ हो, ये चोट कैसे लगा लिया बिट्टू? चीकू को ये चोट लग गया इसलिए रोने। ओह चलो बाल ठीक कर दे, कितना बड़ा बड़ा इसका बाल हो गया, इसको गर्मी भी लगती होगी, तो हम पहले इसका बाल ठीक कर देते हैं, उसको अच्छी को खाना खाएगा, है ना बिट्टू? खाना खाओगे? खाना खाओगे? कहाँ? किधर? उधर है खाना। अच्छा हाँ हाँ, किचन में खाना। मंकी कहाँ है? मंकी। और हम चीकू को आजकल लाचर लगा दिए हैं बाल में, क्योंकि इसका इतना बड़ा बाल हो गया, ऐसे पानी से धोए हैं तो भींगा हुआ था इसका बाल, तो हमको लाचर इसको लगा दिए। गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। मक्खी है, मक्खी मक्खी, ये देखो। और चीकू अभी गुस्सा हो गया है, नीचे बैठ गया, और इसका बाल भी हम ठीक करेंगे। तो इतना नखरा करता है, इतना रोता है, थोड़ी देर तक रोते ही रहता है बस। मम्मा को किसी कर लो, मम्मा को किसी। चीकू किसी का बात नहीं सुनेगा, थोड़ा सा मम्मा का बात मान लो। या चीकू ऐसे करो, ऐसे चीकू। ये देखो, ये चीकू का फ्रेंड सब आ गया है अभी काम के टाइम में खेलने। अरे देखो कितने फ्रेंड है चीकू के, ये सारे फ्रेंड आए हैं चीकू के साथ खेलने। अक्षित क्या कर रहे हो? चीकू देखो तो सब क्या कर रहा है, बच्चे लोग सब खेल रहे हैं, बच्चा पार्टी। देते खाने के लिए क्या? तो अभी हम बच्चे पार्टी को दे रहे हैं बिस्किट खाने के लिए। लो सारे बच्चे खा लो, लो ये लो। एक तू भी ले लो चीकू, एक ले लो, तू भी ले लो एक, ले लो ले लो, जल्दी ले लो चीकू, ले लो जल्दी से ले लो। अरे ले लो चीकू, तू भी ले लो, ले लो ले लो। अरे देखो देखो, यशु दीदी खा रही बिस्किट, तू भी खा लो चीकू, खा लो। अक्षित चला गया कहाँ? अक्षित नहीं खाओगे? खा लो बिस्किट जा। तो सारे बच्चे पार्टी चले गए, और सारे शाम के टाइम में चीकू गया था बाहर खेलने, तो बच्चे लोग आ गए थे अंदर में खेलने, और इतनी गर्मी है, पसीना पसीना हो गया, बाहर में इतना गर्मी है कि बच्चे लोग गर्मी से एकदम उठ गए थे। तो सारे बच्चे लोग आ गए थे, अपना बच्चे खेल रहे थे, तो मम्मी जी भी आ गई हॉस्पिटल से, शाम को ही वो आई थी। तो अभी हम जा रहे हैं, खाना बना लेते हैं, क्योंकि वो उस टाइम में खाई नहीं थी, तो अभी खाना खाएगी, तो हम बना लेते हैं अभी खाना जल्दी से।